ये देखिए मैं आपको पीछे का पैटर्न बता रही हूँ, पीछे के भाग में। तो पहले उसको अपना कटिंग करेंगे। पहले पूरी लंबाई जो बंद भाग है कपड़े का उसमें लंबाई लेंगे, 15.5 इंच लंबाई है, 14.5 इंच रेडी है 1 इंच सिलाई के साथ। फिर यहाँ पे 2 इंच का गला जो बंद भाग है वहां से 2 का गला और 3 इंच का कंधा लेंगे। फिर ये कंधे से बगल तक की लंबाई आर्मोल की 5.5 इंच सीधी लाइन खींच देंगे। इसी 5.5 इंच से चेस्ट का नाप लेंगे, 30 इंच का चेस्ट है तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच, ये देखिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहां से 1/2 इंच निशान कर देंगे कॉर्नर से और हल्की सी गोलाई दे देंगे। ऊपर से कंधे की सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़ देंगे और उसी 1/2 इंच जो छोड़ेंगे वहां से यहां तक आर्मोल की गोलाई का नाप लेंगे जो 7 इंच आना चाहिए। ये देखिए अपना एक 2 लाइन खाली एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं हल्की सी ये गोलाई बाहर से दूंगी। ये 7 इंच हो गया है, अभी 2 इंच पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूंगी। ये देखिए पूरा जो है 9.5 इंच है तो कमर 9 इंच लेंगे। इस 9 इंच में अपना टक्स का भी साथ में ऐड हो गया है, अभी यहां से मैं डायरेक्ट मिला दूंगी। अभी पीछे का गला जो ये बंद भाग है वहां से नीचे से 4 इंच छोड़कर, और ये देखिए मुझे पूरा कटिंग करना है पैटर्न बनाने के लिए। यहां से मैं 2 इंच लूंगी और यहां से सीधा कट कर देंगे। ये देखिए पूरा काट लूंगी, यहाँ पे पेज डालूंगी जब पैटर्न बताऊंगी तभी, अभी उसको कट कर दूंगी। ये देखिए इसके जितना मैं कैनवास कट कर दूंगी सीधा, और कैनवास चौड़ाई में 1 इंच रख दूंगी। ये देखिए मैंने ऐसी 2-3 पट्टियां काटी हैं पैटर्न बनाने के लिए, जो अपना पीछे बांधने वाली डोरी करते हैं वैसा डोरी निकालूंगी। ये देखिए जो मैंने सिलाई लगा दी है उल्टे कपड़े पर, जो मैंने पहले भी बताया था डोरी निकालने का तरीका, जो ये सिलाई दी है उसके बीच में सुई को 2 बार वापिस इसी पे निकालेंगे, सुई को उल्टा करके कपड़े के अंदर डाल देंगे। ये जो ये गांठ है इस गांठ को अपना डोरी के अंदर जानी चाहिए, हल्के हाथों से धीरे धीरे उसको निकालेंगे, धागे को ज्यादा खींचो मत। अभी देखो डोरी यहां तक आ गई है तो मैं उसको आराम से अभी खींच सकती हूँ। ये देखिए अपनी डोरी ये बाहर निकल गई, आप उसको अभी कितना भी खींच के अच्छे से निकाल सकते हो। ये देखिए जो नीचे से मैंने 4 इंच छोड़ा था इधर मैं निशान कर दूंगी, 4 निशान 1/2 इंच पे दोनों तरफ। ये अभी जो ये डोरी बनाई थी उसके मैंने 1.5-1.5 इंच की पट्टियां काट दी हैं, उसको फोल्ड करके ये जो निशान किया था उस निशान पे देखो इसको अंदर की साइड लेंगे, ये जो खुला भाग है उत्तर डोरी का खुला भाग रखेंगे और 1/2 इंच पे सिलाई दे देंगे। चारों डोरियों को मैं अटैच कर दूंगी। देखिए मैंने दोनों को लगा दिया है दोनों तरफ, अभी इसके ऊपर अस्तर रखूंगी और अस्तर के ऊपर कैनवास की पट्टी रखूंगी और उसको तीनों को एक साथ 1/2 इंच पे सिलाई लगा दूंगी। अभी देखिए उसको ये अस्तर वाले कपड़े को पीछे की साइड मोड़ देंगे ताकि कैनवास तो अपना बीच में चला जाएगा। ये देखिए
और ये नाठी जो डाली थी उससे ये बाहर आ जाएगी और अभी दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई एकदम कॉर्नर पे नहीं देना है, हल्का सा गैप छोड़ के देना है। और दाब सिलाई जब दो तभी अस्तर की साइड ही देना है ताकि पीछे फिनिशिंग आ जाए। अभी देखिए चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये जो 2 इंच मैंने बीच में से वो पेज काट लिया था, इसके लिए यहां से मैं 2 इंच पे ही ये पीछे का टक्स लगाऊंगी और 4 इंच लंबाई में। और यहां से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को काट लो अस्तर के अकॉर्डिंग। ये मैंने 1 इंच की पट्टी काट ली है, अभी नीचे कमर में पट्टी लगा दूंगी। आगे से कपड़े को मोड़ के इसको पट्टी लगा देंगे। अभी देखो इसमें मैं डोरी डालूंगी, पहले उसको ऊपर से नीचे से ऊपर निकाल दूंगी। अभी जो दूसरा कोना है वो ऊपर वाले भाग से, अभी देखिए इसको दोनों सेम कर देंगे। ये अभी तिरछा इसके सामने वाले इसमें डालेंगे, अपोजिट करेंगे और यहां से मैं इसमें इसको ही वापस सामने ऐसे करके सब नापी में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने 4x4 का कपड़ा कटिंग कर दिया है, अभी उसको लटकन लगा देंगे। देखो ये जो कॉर्नर है यहाँ को हल्का सा इसको ऐसे दबा दो, यहां से वो बाहर नहीं निकले इसके लिए मैंने थोड़ा सा दबाया था। अभी दूसरे भाग को लेके वापस उसको फोल्ड करूंगी। सीधा वाला भाग ऊपर रखो और इसके 1/2 इंच की दूरी पर सेम इसी प्रोसीजर में फोल्ड करेंगे। इसको भी ये देखिए अच्छे से लटकन बन गए डबल में। ये देखिए ये अपने पीछे के गले की डिजाइन का पैटर्न बन गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये अपना पूरा भाग रेडी हो गया देखिए लटकन के साथ।